नमस्कार आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस एस जी गुरुकुल पर तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है और यूपी पेट का बिल्कुल साफ पेपर आने में थोड़ा समय लग जाता है बच्चों को निकलने में टाइम लग जाता है फिर इसके बाद वो फोन ओन उठाते हैं है ना फिर मरे मरे करके पेपर देते हैं ठीक है ना देखो बिल्कुल साफ पेपर आया होगा अपने पास है ना जो पेपर है अपने पास वो बिल्कुल साफ पेपर है तो यहां पर लेखा गया है क्वेश्चन नंबर एक है ना बहुत आसान आसान से प्रश्न भी है कठिन कठिन प्रश्न भी है करंट अफेयर आपने डेली बेसिस पे पढ़ा होगा तो कर ले जाएंगे हल्का पेपर घुमाया गया है है ना लेकिन इस बार ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी इतना हमें पता है यूपी एस अपने दाव पेज को दिखाता है कहीं ना कहीं आप लोग को ये बात ध्यान में रखनी है

पुणे में रही है रायगढ़ रहेगी पुणे रहेगी है ना तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पुणे ठीक है ना तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका पहले वाले का आंसर हो जाएगा पुणे अगला क्वेश्चन देखते हैं महावीर स्वामी ने को जिन के नाम से जाना जाता है अब जिन के नाम से जाना जाता है जिन का मतलब क्या होता है इंद्रियों का विजेता जैन शब्द हमें जिनसे प्राप्त हुआ है और जिनका मतलब होता है इंद्रियों का विजेता है ना ये सब पहले बता जैसे वेद शब्द विद धातु से बना है और विद का मतलब होता है जानना और वेद का मतलब होता है ज्ञान है ना तो यहां पर वेद जिन का मतलब क्या हो जाएगा विजेता ठीक है तो जिनका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर जिनका मतलब हो जाएगा विजेता ठीक है ना इंद्रियों का विजेता कह सकते हैं इसको इंद्रियों का विजेता अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है जैसा कि अशोक के जैसा कि अशोक के शिला लेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटली और अन्य चार जैसे पांच भागों मटा हुआ था उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी और बीच वाला है कि नहीं तो है कि कौन सा उसके प्रांत का केंद्र नहीं था तो इंद्रप्रस्थ नहीं था प्रांत का केंद्र कौन सा नहीं था बच्चों इंद्रप्रस्थ नहीं था दक्षिण की राजधानी आपकी सुवर्णगिरी सहयोगियों आप तो को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी इसका मतलब क्या है देखो सरदार पटेल चक्रवर्ती राजगोपालचार्य अंतरिम सरकार में इसका जो सही उत्तर है वो है सोमनाथ लाड़ी है ना इसको आप नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं अगर इसको आप नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है है ना ये पीसीएस पेपर का है ये अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तब तो आपको ये पढ़ाया गया है अगला क्वेश्चन देखते हैं चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग हो गए जब असहयोग आंदोलन बंद किया गया था जब असहयोग आंदोलन बंद किया किया गया गया था तब क्या किया गया? तब क्या ना चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या करी बच्चों स्वराज पार्टी की स्थापना करी किसकी स्थापना करी बच्चों स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी उन्नीस इलाहाबाद में जिसके अध्यक्ष कौन थे चित्रंजन और सचिव कौन थे आपके मोतीलाल नेहरू यह सब बताया गया है अरे बताया गया है कि नहीं बताया गया है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों रुको एक सेकेंड कहा गया अगला क्वेश्चन हाँ, ये अगला क्वेश्चन कांग्रेस का वह अधिवेशन कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में आंदोलन शुरू करने के लिए आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था आपको पता होना चाहिए कि 1920 में दो अधिवेशन हुए थे एक हुआ था नागपुर का अधिवेशन जिसमें वीर राघवा अध्यक्ष बनाए गए थे और इसके पहले हुआ था कलकत्ता अधिवेशन जिसमें लाला लाजपत राय बनाए गए थे है ना? तो यहां पर का जो क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन तब, तब बच्चों हुआ था तब ये बात नहीं मानी गई थी तब ये बात नहीं मानी गई थी ठीक है ना चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है खुदाई खिदमतगार संगठन इसे कहते हैं ईश्वर का सेवक है ना तो खुदाई खिदमतगार संगठन या लाल कुर्ती आंदोलन या, या पश्तो भाषा में पख्तून पत्रिका सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां है ना तो इसका आंसर क्या जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां खान अब्दुल गफ्फार खां सब पढ़ाया है सविनय आंदोलन में सब पढ़ाया था हमने आपको चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी और सोहन सिंह जो भाकना थे सोहन सिंह भाकना इसके क्या बनाए गए थे अध्यक्ष बनाए गए थे है ना तो इसकी स्थापना 1913 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां था सैन फ्रांसिस्को जहां पे गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी है पढ़ाया तक नहीं पढ़ाया था जल्दी बताओ पढ़ाया तक नहीं पढ़ाया था लोगों के लिए कठिन होगा तुम्हारे लिए कठिन नहीं होना चाहिए हां कह रहा है सिरोई सिरोई लिली है ना जो आपने स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन पढ़े थे स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन में बताया था कौन सी चीज कहां पर उपस्थित होती है यहां पर हमने क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था सिरोई लिली कहां पाई जाती है है ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सिर्फ ये मणिपुर में पाई जाती है सिरोई लिली कहां पाई जाती है मणिपुर में पाई जाती है बाकी जब हमने विश्व के प्रमुख देश उनके प्रतीक चिन्ह है ना ये सब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं ऊपर से देखते हैं बच्चों हां क्या कह रहा है ये तो देख ही चुके हैं हम लोग एक सेकेंड कहां पे है यहां कह रहा उड़िया पठार कहां पर है तो उड़िया पठार राजस्थान में उड़िया पठार कहां पर है उड़िया पठार आपका राजस्थान में है कि नहीं देखो ऐसे ऐसे आसान वाले प्रश्न भी आए हैं और कुछ कठिन वाले प्रश्न भी आए हैं आप देखो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का कारण क्या है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का कारण क्या है है ना तो आपको पता ही है लौटता हुआ मानसून चलो उसको तो पता ही चल गया है आगे बढ़ते हैं राजस्थान के एक सेकेंड हां आगे बढ़ते हैं राजस्थान के राजस्थान के जालौर जिले में राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है राजस्थान में अधिकतर जो है वो ग्रे, ग्रीन ग्रीन ग्रेनाइट पाया जाता है तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन ग्रेनाइट इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन ग्रेनाइट होगा ठीक है ना ग्रीन ग्रेनाइट और अन्य स्थान पर पाया जाता है ब्लैक ग्रेनाइट ठीक है अगला क्वेश्चन बाकी अगर कुछ गलत गलत होगा तो बता देंगे आपको है ना जहां तक मेरी नॉलेज है हम आपको सही से बताएंगे पुर्तगालियों द्वारा जो बंदेल चर्च बनाया गया था बंदेल चर्च आपका पश्चिम बंगाल में बनाया गया था बंदेल चर्च आपका कहां बनाया गया था तो बंदेल चर्च आपका पश्चिम बंगाल में बनाया गया था आगे बढ़ा जाए चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमने बताया ना एमएसपी एमएसपी कौन डिसाइड करता है एमएसपी कौन डिसाइड करता है बच्चों एमएसपी डिसाइड करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कौन डिसाइड करता है लो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और गन्ने के लिए जारी किए जाते हैं क्या है ना गन्ने के लिए जारी किए जाते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य बात समझ में आ रही है और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किसकी किसकी इकाई है ना कृषि लागत मूल्य आयोग किसकी इकाई है तो ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की इकाई है तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की इकाई कृषि एवं मूल आयोग को जारी करता है ना एमएसपी यही जारी करता है ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं हाँ निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जो काम करने का अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देता है इसके लिए हम लोग ने मनरेगा सिस्टम शुरू किया है 2005 में मनरेगा ना इसके लिए आपको काम दिया जाएगा सौ दिन का काम तो आपको दिया ही जाएगा तो राइट टू वर्क का संबंध किससे है तो आप कहेंगे मनरेगा से है राइट टू वर्क का संबंध किससे है बच्चों आप कहेंगे मनरेगा से है कठिन क्वेश्चन सिर्फ कहने के लिए है एक अगर बेटा दस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कठिन आ जाए रुचि बच्चों समझो अगर दस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कठिन आ जाए तो क्या उसको कठिन कहना शुरू कर दोगे दस में एक कठिन आ गया कठिन हो गया ऐसा नहीं कहते हैं ना है ना दस में कम से कम पांच कठिन होने चाहिए तब वो कठिन पेपर है आगे अब देखो गोल्डन रेवोल्यूशन पूछ रहा है स्वर्ण क्रांति पूछ रहा है क्या नहीं लगा पाओगे हम तो बिल्कुल लगा देंगे भैया सर जी पीली क्रांति पूछता पीली क्रांति पूछता तो तिलहन लगा देते गोल क्रांति पूछता तो आलू लगा देते रजत पूछता तो अंडा लगा देते है ना स्वर्ण पूछा है तो बागवानी लगा देंगे क्या लगा देंगे बागवानी लगा देंगे तो हनी भी लगा सकते थे शहद आ जाता शहद और बागवानी लगा देंगे शहद और बागवानी लगा देंगे अगर कोई क्वेश्चन हमसे धोखे से गलत हो जाए तो बता दीजिएगा हम एक बार इसको चेक कर लेंगे ठीक है ना चलिए आगे बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन देते हैं भाई यही क्वेश्चन तो आया था ना पेपर में चलो अगला क्वेश्चन देते हैं क्या कह रहा है कह रहा है इरडा का, का मुख्यालय क्या है इरडा बीमा कंपनियों को कौन रेगुलेट करता है बच्चों बीमा कंपनी को रेगुलेट करती है इरडा और इरडा का मुख्यालय कहां पर है तो आप कह देंगे हैदराबाद में इरडा का मुख्यालय कहां है याद तो इरडा का मुख्यालय आपका हैदराबाद में है अब क्या कह रहा है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्था का एक प्रकार नहीं है ना तो डिपॉजिटरी संस्था का एक प्रकार नहीं है पे डिपॉजिट नहीं कर सकते हो तो इसका आंसर आपके लिए नहीं बता पाओगे क्या नाबार्ड ऋण संघ लोन एसोसिएशन है ना वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसमें कौन सा एक प्रकार नहीं होगा तो जल्दी बताइए सर वो पिंक ग्रेनाइट देख लीजिए ठीक है ना हाँ ठीक है तो चलो देख लेंगे पिंक ग्रेनाइट वैसे आप डालिए आप गूगल पे अगर डाल के एक बार देख लीजिए कि राजस्थान के जालौर जिले में कौन सा ग्रेनाइट पाया जाता है तो आप शायद कर ले जाएं ठीक है ना तो चलिए कौन सा डिपोजिटिव नहीं करता है तो आप कह देंगे सर जी नाबार्ड नहीं करता है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है हाँ ना अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है अब आप देखो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है इसे कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से उन्नीस तक के कानून बनाए तो आप कह देंगे धारा नंबर 100. तो ये कह सकते हैं हार्ड इसको कह सकते हैं हार्ड क्योंकि हमने अभी तक आपको यह क्वेश्चन नहीं बताया हमने सिर्फ आपको यह बताया है 1935 के अधिनियम में धाराएं कितनी हैं और 1935 के अधिनियम से क्या क्या होता है है ना ये क्वेश्चन हार्ड है इसको सब लोग छोड़ सकते हैं इसका कोई आ, इसका कोई औचित मूल्य ही नहीं है कह सकते हैं इस क्वेश्चन का ये देखो सबसे आसान क्वेश्चन है ना कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है राष्ट्रपति यदि उसको उसको बनाता है है तो कितने दिन के भीतर किसी किसी ना ना सदस्य का रूप नियुक्त किया जा सकता है तो आप कह देंगे छह महीने है ना तो उसको कितने महीने का समय दिया जाता है बच्चों छह महीने का समय दिया जाता है और छह महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ता है बेटा हाँ कर, सदस्य बनना पड़ता है बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन क्या है ठीक है ना क्या कह रहा है ये उच्च न्यायालय क्या कह रहा है बच्चों उच्च न्यायालय पूछ रहा है उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका अधिकार क्षेत्र अंडमान निकोबार पर है तो अंडमान निकोबार का अधिकार क्षेत्र कौन सा उच्च न्यायालय होगा बच्चों तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है कि नहीं कौन सा उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय और इसकी स्थापना 1861 के है ना अधिनियम के तहत अठारह में की गई थी 1861 के अधिनियम के तहत अठारह में की गई थी सर इसका आंसर तो सबको पता होगा ओके तो चलिए भाई जिसका नहीं पता होगा वो बताना पंचायती राज अधिनियम कितनी बार बताया गया है पंचायती राज अधिनियम है ना कब बताया गया उन्नीस सौ बानवे तिहत्तरवां संविधान संशोधन हो और चाहे चौहत्तरवां संविधान संशोधन हो दोनों का आंसर क्या उन्नीस सौ बानवे तो उन्नीस सौ बानवे और पंचायती राज जो ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके दिल से पूछो कितना पंचायती राज उन्होंने रट्टा मारा है है कि नहीं बेटा लाइक नहीं किया है ढाई हजार तीन हजार जो लोग अभी तक हैं वो बस लाइक कर दें ठीक है ना गौरा चौरसिया बेटा तुमने सही से पढ़ा नहीं है तुमने सही से पढ़ा नहीं है है ना ये सब क्वेश्चन अगर नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल मान के चलो कि कोई भी 2023 में पेट से जितनी वैकेंसी आएंगी उसमें एको नहीं भर पाओगे ठीक है ना हाँ, जो कठिन होता जाएगा वो मैं बताता जाऊंगा अब देखो मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी है ना उसको बिल ऑफ राइट्स का नाम दिया गया था है ना और जयकर ने इस्तीफा दे दिया कि हम तुम्हारी नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं होंगे याद करो जब साइमन कमीशन आया था साइमन कमीशन ने रिपोर्ट बनाई थी है ना तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था या भारत के सचिव लॉर्ड बर्कन ने कहा था कि आपने साइमन कमीशन का विरोध किया है आप ही कुछ बना लो तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी बिल ऑफ राइट्स के नाम से अधिकारों के बिल के नाम से बनाई थी अधिकारों के बिल के नाम से बनाई थी है कि नहीं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हां इर्दा वाला बता चुके हैं चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं स्वर यंत्र के संबंध में यह क्या होता है स्वर यंत्र के संबंध में यानी लैरिक्स यह या स्वर रज्जू होता है यह हड्डीदार बक्सा है यह श्वास नली में आक्रमण करने वाले रोग जनकों को रोकता है तो कौन सा सही है पूछ रहा है कौन सा सही है यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी और श्वास नल को जोड़ता है तो बहुत आसान सा किसका क्वेश्चन नहीं बता पाओगे तो क्या ही बता पाओगे है ना जल्दी से बताओ देखते हैं इसका आंसर सॉरी लैरिंग्स के बारे में पूछ रहा है भैया चलो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपसे कई बार पूछा जाता ना दूध क्या है पायस है सॉल है इमल है ऐसे पूछा जाता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है बच्चों सॉल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है सॉल है है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है बच्चों सॉल है आगे बढ़ते हैं कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जल जमा देता है प्रोटोप्लाज्म को जमा देगा कौन तो आप कह देंगे प्रोटोप्लाज्म को जमा जमा देता है है ना प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है तो आपका इसका सही उत्तर होगा इसको देख लीजिएगा इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से है ना मेरे हिसाब से मेथेनोइ एसिड होना चाहिए और बाकी इस पर हमने लगा दिया है आपका क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन नया हो गया है ठीक है तो इसको देख लिया जाएगा अभी इसको सर्च करके फिर देखा जाएगा कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित बौना ग्रह है तो हमारे सौर मंडल में किसको बौना ग्रह माना गया है तो प्लूटो को प्लूटो को क्या कर दिया गया है बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है और बाकी ये सब क्या है बाकी ये सब आपके क्षुद्र ग्रह है ना जैसे सेरस क्या है बच्चों ये आपका क्षुद्र ग्रह है तो प्लूटो को किसमें रख दिया गया है तो प्लूटो को रख दिया गया है आपका हाँ, प्लूटो रख दिया गया है आपका बौने है ना बोने ग्रह में तो इसका जो उत्तर आप एक और, एक और एक काम कर सकते हैं कि या तो ये होगा या तो ये होगा दोनों में से कोई एक नोट कर लो है ना ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ठीक है ना अभी इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे बाद में आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिछुआ नेटल की पत्तियां नेटल की पत्तियों में जो अम्ल मौजूद होता है वो कौन सा होता है जहरीला होता है तो मैथेनोइक एसिड ठीक है ना तो मैथेनोइक एसिड तो बैटल या नेटल की पत्तियों में चुभने वाले बालों में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल जब इसको खाते हैं तो उसके बालों को हटा देते हैं बात समझ आ रही है उसको हटा देते हैं बात समझ आ रही है आगे बढ़ते हैं तभी उसको खा पाओगे वरना नहीं खा पाओगे अच्छा है ना चने की पत्ती में क्या पाया जाता है चने की पत्ती में चने की पत्ती में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल और अगर पूछा जाए टमाटर में क्या पाया जाता है तो भी ऑक्सैलिक अम्ल तो चने की पत्ती में पूछा जाता और टमाटर की पत्ती में पूछा जाता चने और टमाटर में पूछा जाता तो आपका आंसर क्या हो जाता तो आपका आंसर ऑक्सैलिक हो जाता लेकिन बिछुआ की पत्ती पूछा है नेटल की पत्ती पूछा है इसलिए मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा ठीक है ना फिर बाकी मैथ वाले सर अभी आएंगे तो वो आपको मैथ वाला क्वेश्चन करवाएंगे है ना तो मैथ वाले सर अभी आएंगे और मैथ वाला क्वेश्चन करवाएंगे तो ये सब मैथ के क्वेश्चन आ जा रहे हैं ये भी आपका सब मैथ का आ जा रहा है आगे बढ़ते हैं एक सेकेंड हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आ, विलोम युग्म सही नहीं है विलोम शब्द औचक का होता है अक्सर ठीक है डाबाडोल का होता है अस्थिर यार तुम तो डोल हो गए डाबाडोल का मतलब जो अस्थिर हो और इसी का तो सिनोनिम्स दिया गया है यानी इसका होगा डाबाडोल अस्थिर डाबाडोल अस्थिर है ना चलो ठीक है ना कहते डाबा डोल हो गए मतलब अस्थिर हो गए डाबा डोल का स्थिर होना चाहिए था डाबा डोल का क्या होना चाहिए बच्चों स्थिर होना चाहिए था है ना चलिए होनहार बिरवन के होत चिकने पात इसका मतलब क्या है होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोष निकालता है होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिख जाती है तो होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिख जाती है समझ में आ गया और गरीब के घर में गरीब के घर में अगर कोई बलवान व्यक्ति पैदा हो जाए होशियार व्यक्ति पैदा हो जाए तो कहते हैं गुदड़ी का लाल पैदा हुआ है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कौन से शब्द पुल्लिंग है कौन से पुल्लिंग है जरा देखो संचार संचार बिगड़ रहा है है ना पालन पालन अच्छा हुआ है तुम्हारी ग्रीवा सुंदर है है ना ग्रीवा सुंदर है अच्छी ग्रीवा है ना अच्छी ग्रीवा या पतली ग्रीवा यानी यहां पर हो गया ये स्त्रीलिंग मनुष्यत्व बनावट रौनक तुम्हारी बनावट गलत हो गया पतलून तुम्हारी पतलून है ना प्लेटफॉर्म लंबा प्लेटफॉर्म प्राधिकरण है ना बड़ा प्राधिकरण गिरो बड़ा गिरो यानी पुल्लिंग में यह आएगा है ना पुल्लिंग में डी होगा प्लेटफॉर्म बड़ा होता है बड़ी नहीं होता प्राधिकरण प्राधिकरण बड़ा प्राधिकरण होता है इसका गिरो भी आपका बड़ा होता है बड़ी नहीं होता है ना अड़तीस का हो जाएगा डी आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है है ना महादेवी छायावादी कवित्री हैं, ठीक है ना जब भी आप आओ मुझे मिलो जब भी आप आओ मुझे मिले नहीं आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया आपका नहीं आपके आपका नहीं हमें यहां क्या करना शुद्ध छाटना है हमको क्या छाटना है बच्चों शुद्ध छाटना है तो शुद्ध छाटते हैं ना तो दर्शन क्या है बहुवचन है एक सेकंड बच्चों कहां गया एक सेकेंड एक सेकेंड हां अरे यार थोड़ा सा रखिए हैं क्योंकि ये पेपर है कोई पीपीटी है नहीं है ना तो ऐसे लग जाती हैं पैतीस सैतीस अड़तीस उनतालीस हाँ ठीक है ना चलो तो आपके होना चाहिए था यहां पर गलत क्या है आपके होना चाहिए थे आप जब भी आप आओ है ना मुझे मिलो है ना महादेवी छायावादी कवित्री हैं ठीक है ना रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा तो इसका सही क्या हो जाएगा रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा बात समझ में आ रही है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का होगा डी ठीक है ना क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्या होगा कलम का जादूगर किसे कहा गया है है ना तो आप कहेंगे रामरक्ष बेनीपुरी को कहा गया है कलम का जादूगर किसे कहा गया है तो कलम का जादूगर रामरक्ष बेनीपुरी को कहा गया है आगे बढ़ा जाए अगला कौन सा है फिर इंग्लिश आ जाता है आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के बाद फिर रीजनिंग आ जाती है रीजनिंग के बाद करंट अफेयर आ जाती है करंट अफेयर बेटा सलेन सर अनुपस्थित हैं कोई बात नहीं फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको करंट अफेयर कराने की ठीक है ना आपको करंट अफेयर कराने की कोशिश करेंगे जैसे लिखा क्या है क्वेश्चन क्या है कह रहा है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत एनसीएपी लॉन्च किया है एनसीएपी का फुल फॉर्म क्या है स्क्रैप पद्धति आई थी ना अभी तो स्क्रैप पद्धति थी तो इसे कहते हैं न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इसे क्या कहते हैं बच्चों न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कहते हैं क्या कहते हैं लाडलो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कहते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन अभी सर आएंगे वो कराएंगे आपको परेशान मत हो पूरा पेपर कराया जाएगा ये बताओ जरा सा अगले दशक में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में व्यापार को सौ बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स है ना आप क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स संचार ये सब किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स इसका सही उत्तर हो सकता है बाकी इसको देख लीजिएगा मुझे लगता है डी या सी में कुछ है तो आंसर मुझे डी लग रहा है बाकी इस पर हमने अभी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है है ना अभी इसको देख लेंगे अभी हमने क्वेश्चन देखा नहीं था क्या कैसा है है ना तो जिसमें जिसमें डाउट होगा अगर हमें डाउट है तो आप देख लीजिएगा ठीक है ना हाँ तो आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व का पहला सात मिनट का कैंसर उपचार टीका ये तो इंग्लैंड ने बनाया है और बहुत फेमस भी हुआ इंग्लैंड का ये आंसर क्या है बच्चों ये आंसर आपका इंग्लैंड है आगे बढ़ते हैं ऊपर से देखते हैं हाँ हाँ, मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की गई उसमें पात्रता के लिए क्या है एक जनवरी तक आपने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 60 वर्ष से कम ना हो तो इसका आंसर होगा ए 21 और 60 ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है वो किसको बचाने के लिए एलिफेंट को बचाने के लिए हाथियों को बचाने के लिए एलिफेंट या हाथियों को बचाने के लिए जीता है आगे बढ़ते हैं भारतीय वायुसेना की अच्छा ये कर चुके हैं अभी हम लोग हां भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण का नाम क्या है त्रिशूल है ना त्रिशूल सैनिक अभ्यास एक प्रश्न आया मेनम वन्य जीव भरण कहां पर है तो आप कहेंगे सिक्किम मेनम वन्य जीवन भरण कहां पर है तो आप कहेंगे सिक्किम आगे बढ़ा जाए तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है ना इनका निर्माण किस राजवंश ने करवाया था तो निर्माण करवाया था काकतीय काकती, काकती वंश के राजाओं ने करवाया था रेड्डी राजाओं ने करवाया था काकतीय रेड्डी राजाओं ने करवाया था अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद पिछहत्तर ये लास्ट में हम आपको करवाए हैं जितनी महामराथन हुई है लास्ट में जितनी महामराथन हुई है उन सब से आपको क्वेश्चन देखने को यहां पर मिलेगा ठीक है ना और मैं यहां पर बता भी दूंगा कौन से क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं उनको काउंट करके मत चलिएगा आप ठीक है ना उनको काउंट करके मत चलिएगा जैसे कुथु भारत के निम्नलिखित में तो जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है बच्चा जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है वो ये क्वेश्चन कर पाएगा क्योंकि एसएससी में लोक नृत्य लोक कला से यही सब प्रश्न आते हैं लोक नृत्य और लोक कला से यही सब प्रश्न आते हैं तो कुथु भारत के निम्नलिखित में से अच्छा देखो यहां पर इससे याद कर सकते थे कुथुम्बलम मंदिर कहां पर है देखो अगर ये तुम्हें नहीं भी पता था तो तुम ये कर सकते थे कुथुम्बलम मंदिर तो कुथुम्बलम मंदिर कहां पर है बच्चों केरल में है ना देखो पेपर को पहले कठिन बनाया फिर इसके बाद पेपर को सरल बना दिया पहले पेपर को कठिन बनाया फिर इसके बाद पेपर को सरल बना दिया तो कुथु करके कठिन बनाया और केरल करके सरल कर दिया अगला भाषा ये सब करवाया क्वेश्चन था भाषा वाला मैसूर कर्नाटका भारतीय भाषा संस्थान है ना सर जी हो गया ठीक है तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहां पर है तो आप कह देंगे मैसूर कर्नाटका में है अगला क्वेश्चन देखते हैं अच्छा कपिल सर गांगे उनसे तो मैथ हो गई करवाओ के से मैथ हा रासायनिक ओपीसीडब्ल्यू ओपीसीडब्ल्यू में कितने सदस्य देश हैं तो ओपीसीडब्ल्यू में उतने ही सदस्य देश हैं है ना जितने यूएनओ में एक कम कर देंगे यूएनओ से एक कम कर देंगे है ना चलिए तो 193, 193, 194 से एक कम कर देंगे चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखो कौन मालदीव की भाषा है अब बताओ मालदीव है कहां पर जल्दी बताओ बच्चों मालदीव है कहां पर मालदीव की भाषा क्या होगी मालदीव की राजधानी क्या है मालदीव की राजधानी अरे हो गया तो जल्दी आओ ना भाई फटाफट से हम्म ठीक है चलो तो मालदीव की भैया भाषा क्या है क्या कह रहा है वन नाइनटी थ्री अच्छा पीछे चल रहा है क्या तो मालदीव की आधिकारिक भाषा माले इसकी राजधानी है मलयालम थोड़ा लगा देंगे केरला में थोड़ा है दिवेही ये क्वेश्चन कठिन हो सकता है हार्ड एच ए आर डी इसमें हार्ड लिख सकते हैं दिवेही ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पुला पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है यह आसान सा था बोत्सवाना जो कठिन होगा वो बता देंगे जो आसान होगा वो भी बता देंगे ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं पेरुंगदई ये पेरुंगदई के लेखक कौन है कोंगु वेल्लिर द्वारा लिखित महाकाव्य है और यह किसकी है बेटा तो आप कहेंगे मलयालम पेरुंगदई एक मलयालम साहित्य है ठीक है अगला उन्नीस में अशोक चक्र थर्ड का नाम बदलकर अशोक चक्र थर्ड का नाम बदलकर सौर्य चक्र कर दिया गया था अशोक चक्र थर्ड का नाम बदलकर सौर्य चक्र कर दिया गया था आगे बढ़ा जाए अब हिंदी वाला आ जाता है क्या अब यहां पे सब हिंदी बिंदी आ जाती है ठीक है ना तो हिंदी बिंदी हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा हमको ठीक है इसके बाद आपकी क्या आ जाती है इसके बाद आपकी आ जाती है डी आई इसके बाद आपकी क्या आ जाती है बच्चों इसके बाद आपकी आ जाती है डी आई ठीक है कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो पूछ सकते हो चलो करने की कोशिश करो जब डी आई आई जब ये पद्यांश गद्यांश दिया है तो पढ़ने की कोशिश करो क्या ही कह रहा है करो जल्दी से फटाफट से जल्दी जल्दी समाज की विषमता शोषण की जननी है समाज में जितनी विषमता होगी समानता शोषण उतना ही अधिक होगा ठीक है समाज की विषमता शोषण की जननी है समाज में जितनी विषमता होगी समानता उतना शोषण अधिक होगा चूंकि हमारे देश में सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं अधिक है जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक वही दूसरे स्थान पर शोषित होता है जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तब पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं तो उपभोक्ता की परिभाषा क्या है समानता उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता जो सीधे तौर पर किसी भी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करता है इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी ना किसी रूप से उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं ओके हमारे देश में ऐसे अशिक्षित सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्लभ असक्त लोगों की भीड़ है जो शहर की मलिन बस्तियों में फुटपाथ पर सड़क पर तथा रेल लाइन के किनारे गंदे नालों के किनारे झोपड़ी डालकर अथवा किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाज उपयोगी ऊर्जा योजनाओं से वंचित है जिन्हें आधुनिक सफेद पोषों यानी नेताओं व्यापारियों नौकरशाओं तथा तथा कथित बुद्ध वर्ग ने मिलकर बांट लिया है सही मायने में शोषण इन्हीं की देन है सरकार कितनी

आंसर बस नोट करके दे दीजिए आंसर दे दीजिए कराने कराना शाम को कर, कर दीजिएगा सिर्फ आंसर आंसर ले आइए इन सबने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं वे वास्तव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने लायक हैं, ओके कानून के हाथ कितने भी लंबे हों सभी तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि रक्षक जब भक्षक बन जाए तो कौन बचाए भ्रष्टाचार सभी की जड़ों में पहुंचा हुआ है अरे बहुत बड़ा है क्या पहुंचा हुआ है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्या कभी इन लोगों के अच्छे दिन आएंगे दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग है जो ना तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है और ना ज्यादा पढ़ा लिखा संपन्न ना सरकार उसकी परेशानियों को समझती है ना कोई अन्य राजनीतिक पार्टी जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलती ऐसे बड़े बूढ़े लाचार लोगों की स्थिति और भी खराब है ना तो उनकी संस्कार विहीन संतान उनका ध्यान रखने को तैयार है ना सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है क्या इस विषमता को हटाने की दिशा कोई कदम उठाया जा रहा है क्या पढ़े लिखे नौजवानों को उपयुक्त रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ हो रहा है क्या होगा इस देश का भगवान ही जानता है देख रहे हो जो गद्यांश पढ़ो गद्यांश देखकर तुम्हें लगेगा अरे भाई साहब गद्यांश तो लगता है सरकार के ऊपर ही बना दिया गया है आयोग ने सरकार की कहकर ली है कह सकते हैं है ना तो चलिए पढ़ते हैं भाई क्या होगा हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्द योजनाओं से कौन सा व... योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है सरकारी पेंशन विहीन वयोवृद्ध जनों का वर्ग किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता समाज का मध्यम वर्ग मलिन बस्तियों फुटपाथ सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग आधुनिक सफेद पोषों व्यापारियों नौकर साहो तथा तथा कथित बुद्धि लोगों का वर्ग तो हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्द योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है है ना तो वंचित वर्ग कौन सा है बच्चे तो आप कहेंगे यही वंचित वर्ग है क्या बोलते हो बात रही है हम कौन रह जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो इसका आंसर आप लोग समझ गए ना ठीक है ना आगे बढ़ते हैं देखो यहां पे लिखा भी है देखो यहां पे लिखा भी अरे यार ही क्या हो रहा था बार बार हाँ यहां पे लिखा भी है ऊर्दमुखी यहां पर आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे सामाजिक और आर्थिक रूप से दुर्बल अशक्त डैश 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 हां देखो लिखा ना वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों के समाज उपयोगी ऊर्दमुखी योजनाओं से वंचित हैं कौन वंचित हैं तो आप कहेंगे वंचित है जिन्हें आधुनिक सफेद पोष व्यापारी और नौकर साथ तथा मिलकर बांट लिया है तो वंचित कौन है ये वाले लोग वंचित है ना फिर ये वाले लोग वंचित सॉरी ये वाले लोग वंचित हैं वंचित कौन है तो आप कह देंगे मलिन बस्ती फुटपाथ सड़क रेलवे तथा इनके किनारे रहने वाले लोग वंचित हैं है ना और फायदा कौन उठा रहे हैं योजनाओं का तो डी वाले उठा रहे हैं ठीक है ना हां चलिए आगे बढ़ते हैं अगला लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग हो रहा है पढ़े लिखे उपयुक्त रोजगार सेवाओं को उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह उत्पादक से जुड़ा व्यापारी मंडल ये तो कर रहा है ठीक है ना नौकर तथा तथ्य बुद्धि लोग तो आपका आंसर आ जाएगा वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले सभी उपभोक्ता ठीक है ना शोषण का शिकार हो रहे हैं अगला क्वेश्चन समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है समाज का मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है जीवन यापन में आर्थिक परेशानियां व सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा उच्च शिक्षित और धनाढ़ गरीब और श्रमिक वर्ग से संबंधित घर का हर सदस्य मजदूरी करने के लिए विवश ठीक है चलो आगे बढ़ते देखो यहां पे लिखा है समाज के मध्यम वर्ग यहां पर देखो समाज का मध्यम वर्ग यहां पर लिखा गया है देखो यहां पर आ जाओ यहां पर आ जाओ कहा गया एक सेकेंड मध्यम वर्ग वाला पार्ट देखो ये कहीं लिखा होगा हाँ दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग है जो ना तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है और ना ज्यादा पढ़ा लिखा संपन्न ना सरकार उसकी परेशानियों को समझती है और ना कोई अन्य राजनीतिक पार्टी जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलती ऐसे बड़े बड़े लाचार लोगों को ये वाला क्वेश्चन लिखा है ठीक है ना तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा कहां पर क्या है समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है समाज के मध्यम वर्ग की समस्या ये है गरीब और श्रमिक वर्ग से संबंधित है जीवन यापन में आर्थिक परेशानी सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा ये वाला ठीक है ना डी इसका आंसर हो जाएगा अगला शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित हैं तो शैक्षणिक शिक्षा से बना हुआ है और सांस्कृतिक यानी शिक्षण से बना है शैक्षणिक और संस्कृत से बना है संस्कृति से बना है सांस्कृतिक ठीक है ना तो कौन सा प्रत्यय लगा है एक प्रत्यय लगा है कौन सा प्रत्यय लगा है बच्चों इसमें एक प्रत्यय लिखा है है ना शिक्षण से बना है शैक्षणिक और संस्कृति से बना है सांस्कृतिक ठीक है ना चलो अगला फिर, फिर ये इतना बड़ा क्वेश्चन है है ना सीधे सीधे हम लोग इसके आंसर कर लेंगे अभी हम इसको पढ़ लेंगे और पढ़कर इसको सीधे सीधे आंसर बता देंगे ठीक है ना ठीक है तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो बताइएगा अब हम लोग आ जाते हैं सीधे डीआई पर ठीक है डीआई पर और क्या नाम है क्वेश्चन आंसर पर डी पर और क्वेश्चन आंसर पर कर लिए uh, क्या नाम है वो मैथ वाला कहाँ है मैथ वाला करा दीजिए एक सेकेंड थर्टी वन पे हाँ इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच सर इसका आंसर क्या है इसका आंसर है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव है हाँ ना इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाले का आंसर क्या है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव ठीक है ना फिर इसके बाद अवरोही क्रम में अवरोही क्रम वाले का आंसर क्या है अवरोही क्रम है ना सी सी मतलब क्या है नौ बटे तेरह ग्यारह बटे सत्रह पांच बटे आठ ठीक है इसके बाद इसके बाद तैतीस नंबर क्वेश्चन जीरो पॉइंट कहां पर है थर्टी थ्री का जीरो पॉइंट थ्री फोर ठीक है इसके थर्टी फोर का टेन थर्टी फोर का टेन समझ में आ गया हाँ, इंग्लिश से क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं बेटा ठीक है, है अब, अब नहीं कोई और भी है ये है एक सेकेंड हाँ, इसका आंसर कितना है दिव्या वाले का बत्तीस हजार कहां है बत्तीस हजार ये बत्तीस हजार ठीक है ना तो ये पांच क्वेश्चन हो गए मैथ के अब आएंगे डीआई के है ना अब क्या आएगा बच्चे डीआई का आएगा ठीक है ना चलिए कराया जाए सर डीआई खोलिए हम है? बताते हैं आंसर बस एक सेकंड डी जी करवाते ठीक आंसर आंसर देख लीजिए बच्चों डीआई के देख लीजिए क्या है आंसर आंसर देख लीजिए सॉल्व हो गए हैं कहाँ है डी आई एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड पहले डी आई ये है ना ये वाली है देखो कौन सी डी आई वाली ये वाली है ये वाली है? तो हाँ ये डी आई देख लीजिए बच्चों ये डी आई देख लीजिए है ना और इसको सॉल्व बाद में करवा दिया जाएगा अब इसके आंसर देख लीजिए आंसर मैच कराना है ना तो इसका आंसर क्या है सर देख फटाक से कह रहा है तीन वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का आ, तीन वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है अरे सर जोड़ के बस अनुपात निकालने वाला है कौन सा है हा तो इसका आंसर है एक सौ नब्बे बटे तीन सौ पच्चीस कितना वही है देखिए 190 बटे 325 ठीक है ना 190 बटे 325 ठीक है और अगला क्वेश्चन देखिए सर गया स्टोर वाला गया स्टोर वाले का आंसर क्या है अरे सर देख नहीं पा रहे क्या आप गया स्टोर वाले का है अस्सी दशमलव पांच एक अस्सी दशमलव पांच एक परसेंट ठीक है फिर इसके बाद 2021 में कोलकाता स्टोर वाला देखिए 129.03 सौ उन्तीस परसेंट एक सौ उन्तीस दशमलव जीरो तीन परसेंट एक सौ उन्तीस दशमलव बच्चों जीरो तीन परसेंट ठीक है ना फिर इसके बाद वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर की जूतों वाला आंसर क्या है चौबीस बटा तैतालीस चौबीस बटा तैतालीस ठीक है ना चलिए अगला देखते हैं अगला देखते हैं और कौन सा सर तीन वर्षों में कोलकाता स्टोर पटना स्टोर और इसकी तो इसका आंसर है 1650। इसका उत्तर क्या है बच्चों 1650। अगला क्वेश्चन देखिए सर टैंक से पांच इनलेट पाइप वाला ठीक है आ, कहां पर है एक सेकेंड छियासी से नब्बे छियासीवा क्वेश्चन ऊपर है हाँ ठीक छिया ये पता नहीं क्या चलता है ऐसे भाग जाता है ये है और छियासवा क्वेश्चन यदि पाइप ए बी डी आर एस को एक साथ खोल दिया जाए तो इसका आंसर क्या निकला है सर सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मिनट सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मिनट ठीक है अगला क्या है सर टैंक को भरने में अकेले पाइप सी वाले का आंसर क्या है वन पॉइंट सिक्स सेवन नहीं वन पॉइंट वो है टैंक को भरने के अकेले पाइप सी वाला चौदह और ग्यारह चौदह सर कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं सात अनुपात नौ सात अनुपात नौ ये हो जाएगा अगला पाइप बी और सी वाला एक आंसर है क्या वन पॉइंट सिक्स सेवन मिनट वन पॉइंट सिक्स सेवन मिनट और सर इसका आंसर क्या है इसका आंसर क्या है ग्यारह चौदह ना इसका आंसर है ग्यारह अनुपात चौदह इसका उत्तर हो जाएगा ग्यारह अनुपात चौदह ठीक है और इसका उत्तर क्या है सर मिनट वाले का आठ मिनट आठ मिनट ठीक है इसका उत्तर है आठ मिनट आगे बढ़ते हैं इंक्यानबे से पंचानबे इंक्यानबे से पंचानवे ठीक है बेटा ये सब कुछ सॉल्व कर दिया गया है पहले से ही इसलिए आपको बताया जा रहा है ठीक है ना बाकी शाम को आपको इसको सॉल्व करवाया जाएगा ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं 2020 में प्रत्येक पांच देशों में कच्चे तेल का औसत सर कच्चे तेल वाले का आंसर क्या है दो हजार नहीं नहीं इसका नहीं है आ, क्या है सोलह सो अस्सी इसका उत्तर क्या है सोलह सो अस्सी हाँ सोलह सो अस्सी ठीक है अगला अगला 2022 में प्रत्येक पांच देशों में कच्चे तेल का औसत है दो हजार चौवन अगला देखते हैं 2020 में पांच देशों के साथ एक साथ आयात निर्यात कितना आया है एक एक अगला देखते हैं भाई चौरानवे दो हजार बीस से दो हजार बाईस तक कच्चे तेल की खपत वाला का आंसर क्या है सर मालदीव इसका उत्तर क्या है बच्चों मालदीव आगे बताइए सर अगला क्वेश्चन क्या है 2022 में निम्नलिखित वाले किसका इसका आंसर है बांग्लादेश इसका उत्तर है बांग्लादेश लास्ट डीआई है छियानबे नंबर ठीक छियानबे तो से सौ भैया देख लो फटाक से छियानवे से सौ व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी के कुल मात्रा के बीच का क्या अंतर है एक सेकेंड ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा पैंसठ लीटर इसका उत्तर क्या है पैंसठ लीटर इसके बाद संतानवे नंबर क्वेश्चन क्या है व्यक्ति सी द्वारा मिलाया गया पानी की कुल मात्रा व्यक्ति द्वारा मिलाएगा पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात है तीन सत्रह तीन सत्रह इसके बाद निम्नलिखित में किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया है इसका आंसर क्या है सर ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसका उत्तर ए है यानी कि बी इसका सही आंसर है इसलिए उसका उत्तर ए है अगला इसका आंसर क्या है सर इधर वाले का मान लीजिए अपने घोल वाला तो तिरासी दशमलव पचपन इसका उत्तर है तिरासी दशमलव पचपन फिर लास्ट में क्या है सर सभी व्यक्ति द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया चार सौ छप्पन चार सौ छप्पन ठीक है बच्चों तो ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आंसर है ना सीधे सीधे हम लोग यहां पर आंसर नोट कर लिए हैं ठीक है ना जैसे कपिल सर ने सॉल्व किया है सॉल्व करने के बाद उन्होंने सारे आंसर लिखा यहां पे लगा दिए हैं कि इसका आंसर ये होगा सर इसका आंसर ये होगा इसका आंसर ये होगा ठीक है ना तो शायद पूरा पेपर आपका सॉल्व हो गया है कुछ छूटा हो तो बताओ पूरा पेपर आपका सॉल्व हो गया है जल्दी बताओ पूरा पेपर बच्चों आपको सॉल्व हो गया है बाकी गद्यांश देख लीजिएगा एक बार गद्यांश हम आपको करवा देते हैं देखते हैं गद्यांश करेंगे आप लोगों ने पढ़ के रुक जाओ बच्चे करवाते गद्यांश के आंसर बता देते हैं आपको ठीक है तो ये गद्यांश है इसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक सेकंड क्वेश्चन कहां से कहां तक दिए गए एक सेकेंड बच्चों क्वेश्चन दिया गया 76 छिहत्तर से ना छिहत्तर से अस्सी तक दिया गया छिहत्तर से अस्सी तक तो क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है इसका आपके विषय में विचार क्या है ना तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा सी इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ठीक है ना या भिक्षावृत्ति एक समस्या वाले का आंसर हो जाएगा सी अगला देखते हैं अगला विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं इसका आंसर है ये बी वाला अपंगता वाला अपंगता कुरूपता शक्तता वृद्धावस्था देकर लोग भीख दे देते हैं अगला भीख ना देकर भी दूसरों की मदद के लिए कौन सा विकल्प सही आ, नहीं है कौन सा विकल्प सही नहीं है इसका आंसर क्या बताया गया है ठीक है पैसे देकर किसी भिकारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना आ एक सेकेंड यह सही कैसे हो सकता है भीख ना देकर किसी भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही कौन सा विकल्प सही नहीं है गरीबों और निर्बलों शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करके मदद करना पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करना गरीबों के बच्चे को स्कूल में फीस जमा कराकर और पुस्तकें और अन्य पाठ सामग्री देकर मदद करना रोगियों को चिकित्सा सुविधा दिलाकर तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से परिचित करा के मदद करना इसका आंसर क्या लगाएंगे है ना तो इसका आंसर बी लगाना है अभी उस उसके हिसाब से बता रहे हैं गद्यांश के हिसाब से इसका आंसर बी बताया जा रहा है दान पुण्य ये एक दूसरे का अपोजिट है अपोजिट है तो द्वंद होगा जीवन मुक्ति जीवन से मुक्ति द्वंद और तत्पुरुष होगा द्वंद और तत्पुरुष होगा ठीक है ना चलिए खानदानी भिकारी कैसे होते हैं बढ़िया क्वेश्चन है, है। खानदानी भिकारी भैया कैसे होते हैं है ना जो खुद भीख ना मांगकर अपने स्थान को दूसरे किसी भिकारी को देते हैं जो छोटे बच्चे के अंग भंग करके उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं गद्यांश के हिसाब से यही इसका आंसर है गद्यांश के हिसाब से इसका यही आंसर है ठीक है बी वाला तो ठीक है ठीक है बच्चों अगर जनता सरकार दोनों मिलकर काम करना करो ठीक है भीख मांगने वाले को खाना खिलाएं पर उन्हें कभी नकद पैसे ना दें ठीक है लिखा गया तो बच्चे ये हो जाएगा अब आप आराम से पेपर देने जाइए है ना आपका पेपर का टाइम हो गया है आराम से पेपर देने जाइए और सारे प्रश्न हमने यहां पर आपके करवा दिए सारे प्रश्न हम लोग ने पे करवा दिए हैं जो प्रश्न छूट रहा हो तो बताओ जल्दी से कि अगर कोई प्रश्न छूट रहा हो तो कोई भी प्रश्न अगर आपसे छूट रहा हो या फिर हमसे छूट रहा हो तो बता सकते हो कि सर आपसे ये प्रश्न छूट गया है जल्दी से ठीक तो कोई प्रश्न नहीं छूटा ना

बाकी सारे बता दिए गए हैं बाकी सारे बता दिए गए हैं। अगर देख लेते हैं करना है तो केयरलेस ठीक है ना केयरलेस पुट द करेक्ट हु के बाद क्या आएगा इज आएगा हु के बाद क्या आ जाएगा इज आ जाएगा और स्पेलिंग मिस्टेक uh, ढूंढना है तो यहाँ पे एनिवर्सरी की जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो होगी ठीक है ना आगे बढ़ते हैं यहां पर आपका पैसेज uh, पढ़ना है पैसेज के आंसर देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री रेंज इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री रेंज और इसका आंसर हो जाएगा अलूवियल डिपॉजिट क्या हो जाएगा बच्चों अलूवियल डिपॉजिट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला अगला करते हैं यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में डैश डैश वाले का इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अट्ठावन क्या हो जाएगा बच्चों अट्ठावन हो जाएगा इसके बाद गलत संख्या यहां पर छाटनी है तो यहां पे गलत वाले का आंसर 634 है गलत वाले का आंसर क्या है बच्चों छह है ठीक है ना और और कुछ छूटा एक सेकेंड ठीक फिर इसके बाद कैलेंडर वाले का आंसर है आपका बुधवार आगे बढ़ते हैं फिर इसका उनचास नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ये वाला p माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू ठीक है ये वाला d वाला इसका आंसर हो जाएगा यहां पर मैच कर लीजिएगा फिर इसके बाद इसके बाद यह वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पचासवां ठीक है क्वेश्चन नंबर जो पचास है इसको एक बार देख लेते हैं ठीक है इसका जो आंसर है इसका इसका आंसर है डी वाला यदि ना तो एक और दो अनुसरण करता हो इसका आंसर है डी यदि ना तो एक और ना तो दो अनुसरण करता हो ठीक है अगला देखते हैं बस इसमें एक ही था फिर इसके बाद ये कि हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर वर्मा ने इंग्लैंड के मर्सी रॉयल रिवलपुर गोल्फ क्लब में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दो हजार अठारह अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन एक सेकेंड हां चलिए कह रहा है कह रहा है भारत सरकार द्वारा संचालित भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया आ, इसका जो सही उत्तर है आ, क्या कह रहा है एशिया ट्रांजिस्टेंट फाइनेंस स्टडी ग्रुप एटीएफएसजी में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है तो इसका सही उत्तर क्या है एक देख लेते हैं इसका सही उत्तर है पावर फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर फाइनेंस कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड करंट अफेयर क्वेश्चन करंट अफेयर आपको सलेंशन ने कराई है हमने करंट अफेयर कराई नहीं है तो हमें पढ़ा भी नहीं है ठीक है ना फिर इसके बाद गुरुग्राम में स्टार्टअप वाले का आंसर क्या है ठीक जो गुरुग्राम वाले का आंसर है वो है आपका ब्राजील ठीक है देश की मसाल सौंपी गई थी तो इसका जो आंसर है ब्राजील है ठीक है इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ब्राजील आगे बढ़ते हैं डी वाई चंद्रचूड़ ये सबको पता है सुस्वागतम इसका सही उत्तर है ये तो नॉर्मल सा इतना चर्चा में था कि ये सबको पता है बस अब तो कोई क्वेश्चन छूटा नहीं आप कोई क्वेश्चन छूटा बच्चों आप कोई क्वेश्चन नहीं छूटा अब सारे क्वेश्चन हो गए ठीक है ना आप कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो आप किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो अब सारे क्वेश्चन हो गए आपके ठीक है अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूटा हो आप कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हो कि कोई डाउट हो इस क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी ठीक है कोई डाउट हो तो जल्दी पूछिए फटाक से और देख लेते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन छूटा हो तो हाँ एक बच्चे ने कहा सर वो विश्वामित्र वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन विश्वामित्र वाला है तो विश्वामित्र वाला क्वेश्चन कहाँ है ये ऋग्वेद में विश्वामित्र ऋग्वेद में जो विश्वामित्र वाला क्वेश्चन है ये वाला कहा गया ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद तो ये हम लोग ये हमने सोचा ये सोचाग युद्ध है मेरे दिमाग में आया ये दासराग युद्ध है है ना दासराग युद्ध नहीं है संवाद की बात की गई है तो यहां पर संवाद और सतल से है संवाद किससे है बच्चों ब्यास और सतलस से है और दासराग युद्ध पूछता तो रावी नदी हो जाती परसुनी नदी हो जाती दाशरागीत तो, तो परसुनी या रावी हो जाती तो चौथे का आंसर आपका बी होगा बी ठीक है तो बस हो गया कंप्लीट हो गई कंप्लीट हो गई इसके बाद और कौन सा है कोई क्वेश्चन मालवा की सूबेदार फरी क्या कर रहे हैं 1722 वाला 1722 में मालवा की सूबेदारी है इसका आंसर मालवा की सूबेदारी सौंपी गई थी ठीक है ना तो चलिए बस थैंक यू वेरी मच इतने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं सारे क्वेश्चन आपके आंसर भी दे दिए गए हैं इसको आप मिला लीजिएगा बाकी कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हुए